दोस्तों, चक्रवात क्या होता है आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज मैं पहुंचा था शॉप पे और भोजन करने के लिए, लेकिन अचानक चक्रवात आ गया और मौसम अनुकूल हो गया, तो लगे हाथ हम सोचे कि आपको बताएं कि चक्रवात क्या होता है। वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही कुछ सीखते रहिए। तो चक्रवात जो होता है एक कम तीव्रता वाला तूफान होता है, मतलब तूफान दूसरा चीज है, चक्रवात की तीव्रता तूफान से कम होती है। चक्रवात की हवा गति यू फोर्ट पवन स्केल के अनुसार 63 to 88 किलोमीटर प्रति घंटे या 39 to 54 मील प्रति घंटे के बीच होती है। इसे साइफिर सिम्पसन हरिकेन पवन स्केल पर एक डिप्रेशन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तूफान की यदि हम बात करें तो यह एक अधिक तीव्रता वाला तूफान होता है, चक्रवाती तूफान, मतलब तूफान जो है उसका चक्रवात से तीव्रता अधिक होती है और हवाओं की गति क्षेत्र के वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर काफी ज्यादा हो सकती है। दक्षिण एशिया के उदाहरण से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि दक्षिण एशिया में आमतौर पर तूफान का अर्थ 89 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी देखिए चक्रवात क्या था 63 to 88 किलोमीटर प्रति घंटा था, लेकिन तूफान का स्पीड जो है 89 किलोमीटर प्रति घंटा, या यूं कहिए 55 मील प्रति घंटा। और तूफान का मैं पुनः बताना चाहूँगा, 63 to 88 किलोमीटर प्रति घंटा या 39 to 54 मील प्रति घंटा। वहीं तूफान जो होता है 89 किलोमीटर प्रति घंटा या 55 मील प्रति घंटा से अधिक गति वाली हवाएं जो होती हैं उनको आप तूफान कह सकते हैं। जो साइफिर सिम्पसन हरिकेन पवन स्केल पर एक उष्णकटिबंधीय तूफान या उससे अधिक श्रेणी 1 या उससे ऊपर के बराबर होता है। तो यह था आपका चक्रवात और तूफान में अंतर। वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चक्रवात जो है विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में आता है, ठीक है, और अक्सर अगर हम इसकी बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में जो है अक्सर जो है यह शब्द भारतीय उपमहाद्वीप में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले चक्रवाती तूफानों को संदर्भित करने के लिए अधिक प्रचलित होता है। उसको साइक्लोन कहा जाता है या चक्रवात कहते हैं, ठीक है, जबकि तूफान जो है